अनियमित दिनचर्या और खान पान के कारण अक्सर लोगों को कब्ज की समस्या हो जाती है। पेट साफ नहीं होने की कई वजह हो सकती है, जिसमें से एक बड़ा कारण कब्ज की समस्या है। कब्ज के वजह से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से सर दर्द होना, गैस बनना, भूख कम लगना आदि जैसी समस्या पैदा होने लगती है। कब्ज की वजह से होने वाली ये समस्या भले ही छोटी लगे, लेकिन इससे परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। स्थिति खराब होने पर दवाई खाने की भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन कई बार दवाइयों से भी राहत नहीं मिलती। कब्ज की समस्या बुजुर्गों को ज़्यादा होती है, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से यह समस्या अब बच्चों और युवकों में भी बढ़ती जा रही है। आजकल लोग ज़्यादातर बाहर का खाना पसंद करते हैं, जिससे उनका भोजन पचता नहीं है और उन्हें कब्ज हो जाती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, त्रिफला का चूर्ण। कब्ज को दूर करने के लिए त्रिफला का सेवन करना चाहिए। रात को त्रिफले का पाउडर 1 चम्मच हाथ में लें और पानी की मदद से इसे निगल जाएं। इसके अलावा आप इसे गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला डालें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर रात को सोते समय इसे पिए। आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर दो, अरंडी का तेल। अगर आप कब्ज से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो अरंडी के तेल का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर इसका सेवन करें। इससे कब्ज की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, साथ ही पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। नंबर तीन, छोटी हरहर। छोटी हरहर को हल्का घी में फूलने तक भूनकर बारीक पाउडर बनाकर सेवन करें। हरहर के पाउडर को 1/2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले पानी के साथ पिए। छोटी हरहर से पाचन व कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। नंबर चार, अजवाइन, जीरा, सौंफ और काला नमक। पेट की समस्या के लिए सौंफ, अजवाइन और जीरा काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी मदद से पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है। साथ ही अजवाइन और जीरे की मदद से पेट में पाचन, कब्ज और गैस जैसी समस्या से राहत मिलती है। इसे बनाने के लिए अजवाइन, जीरे को हल्का भून लें, फिर सौंफ को कच्चा ही मिलाकर इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लें। रोजाना 1/2 चम्मच पाउडर का रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें। आप इसमें हल्का काला नमक भी डाल सकते हैं। नंबर पाँच, अलसी। अलसी के बीज में काफ़ी अच्छी मात्रा में घुलनशील फाइबर पाया जाता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है, इससे मल नरम पड़ने लगता है और आसानी से निकल जाता है। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए अलसी के बीज का सेवन करें। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर इसे उबालें। आप 1 चम्मच अलसी का पाउडर 1 गिलास पानी के साथ भी खा सकते हैं। नंबर छः, पपीता। पपीता में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। वहीं ये पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। इसके लिए आप रोजाना पपीते को अपनी डाइट में शामिल करें और नाश्ते के रूप में पपीता खाएं। यह पेट दर्द और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा आप कैफीन का सेवन बंद कर दें। हमारे पेट में गैस बनने का काम कैफीन करती है, यह पेट के मल को सख्त बनाती है। अगर आप रोजाना चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इससे परहेज करें। इसके सेवन से पेट और छाती में जलन, पेट फूलना, पेट में सूजन जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में कैफीन का सेवन कम से कम करना चाहिए। बाहर का फास्ट फूड कम खाएं और घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं। अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल ज़्यादा शामिल करें। तो दोस्तों, यह थी आज की मेरी सिंपल वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।